ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? बचा लो मुझे। ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? कितनी बार ट्राई कर रही हूँ। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। बंद हो जाओ। ये लाइट को क्या हो गया है? कौन है यहाँ पे? ये क्या हो रहा है? कौन है यहाँ पे? शिवानी, क्या हुआ बेटा? क्यों इतना डर रही है? वो आ गए। कौन? वो मुझे मार डालेंगी। नहीं, क्या हुआ बेटा? वही वो जो कौन मार डालेंगी? वो मैं घर जाऊंगी। नहीं मम्मी। शिवानी बेटा, कहाँ जा रही हो? रास्ते के बीच ऐसे क्यों खड़ी है? अरे हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा है? अरे हट जाओ, मारी जाओगी। मेरी पिक्स तुझसे ज्यादा अच्छी है, ये देख। नहीं, मेरी ज्यादा अच्छी है। नहीं, मेरी ज्यादा अच्छी है। दीदी, ये क्या हो रहा है राधिका? कुछ नहीं मामा, बस पढ़ाई कर रही थी। ये पढ़ाई हो रही है राधिका? ये मोबाइल पे चैटिंग करते और फोटो खींचते हुए कौन सी पढ़ाई होती है? जब देखो तुम्हारे हाथ में मोबाइल, ब्रश करते वक्त मोबाइल, खाना खाते वक्त मोबाइल, और अब फाइनल एग्जाम्स की तैयारी में भी नजरें और हाथ दोनों मोबाइल पर। राधिका, हद होती है किसी चीज की। पर मम्मा, मैं ना मोबाइल में नहीं देख रही थी, वो श्रेया ना उससे इकोनॉमिक्स के नोट्स मांग रही थी। ओह, नोट्स ले रही थी? हाँ। वो भी मोबाइल पर फोटो खींचते हुए। राधिका, देखो तुम्हारा भाई तुमसे कितना छोटा है और कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितने ध्यान से अपनी पढ़ाई कर रहा है। लाओ ये मोबाइल मुझे दो, अब ये मोबाइल तुम्हें एग्जाम्स के बाद मिलेगा, अब सिर्फ पढ़ाई। ओके मॉम? मॉम मैं कैसे मैनेज करूंगी, आप मेरा फोन क्यों ले रहे हो? सिर्फ पढ़ाई। ज़्यादा मत हंस, समझा? तेरे जो दांत है ना मैं तोड़ दूंगी।
और हाँ, अब ना मैं फोन के बिना रह के दिखाऊंगी, समझा? सबके पास मोबाइल फोन है, बस मेरे पास ही नहीं है। राधिका कहाँ खोई है? क्या हुआ? अच्छा सुनना, मैंने तेरे फोन पे रोहन की पिक्चर्स भेजी, तुमने देखी? क्या, तूने रोहन की पिक्चर्स मेरे फोन पे भेजी है? क्यों, तुझे पता नहीं है क्या कि मेरी मॉम ने मेरा फोन ले लिया है, बोला है नो मोबाइल टिल एग्जाम। क्या, आंटी ने फोन ले लिया? हाँ, पर आंटी को समझना चाहिए कि आज के टाइम पे फोन कितना इम्पोर्टेंट है। या यू आर राइट, फोन इज लाइक मेरी लाइफलाइन बन चुकी है, फोन के बिना ऐसा लगता है कि मैं अधूरी सी हूँ। वैसे आज का दिन तेरी लकी है। कैसे? आज ही मुझे पॉकेट मनी मिली तो मैं तुझे नया फोन दिला सकती हूँ। रियली? हाँ। थैंक यू सो मच श्रेया, मैं ना तेरे पैसे जल्दी वापस दे दूंगी। अरे इट्स ओके यार, चल अभी। अच्छा ऐसा करना, ये बुक्स बैग में रख ले। हाँ। क्या मैडम, इतने कम दाम में नया स्मार्टफोन आता है क्या? देखिए हमारे पास सेकंड हैंड स्मार्टफोन भी है, अच्छे कंडीशन में है, अगर आप कहो तो मैं दिखाऊं। सेकंड हैंड? मैडम आप परेशान क्यों हो रही हो, बिल दूंगा मैं वारंटी के साथ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे पास ले आइएगा। हाँ ठीक है, आप सेकंड हैंड फोन दिखा दीजिए। ओके ओके। श्रेया सुन, देख सेकंड हैंड है तो क्या हुआ, फोन तो है ना, तो ले लेते हैं। ये देखिए, राधिका इस पर खून, खून, मुझे पता है ना मुझे खून से कितनी एलर्जी है, वोमिटिंग आती है, चक्कर आता है, प्लीज चलो यहाँ से। राधिका हम कहीं और जाएंगे, हम वहाँ से ले लेंगे। ओह मैडम आप इतना हाइपर क्यों हो रही हैं? कल मेरा हाथ कट गया था, शायद उसी का खून लग गया है, मैं अभी साफ कर देता हूँ। ये देखिए, मुझे ना इन दोनों में से ये वाला फोन पसंद है। राधिका वैसे ये इतना बुरा भी नहीं है, अच्छा है, देखते हैं इसमें क्या है। ये वीडियो कहां से आ गया? प्ले करूं कि क्लोज करूं? प्ले करके देखते हैं। क्लोज कर देती हूँ। कितना वियर्ड सा वीडियो था। ये क्या हो रहा है? खुद से कैसे चल रहा है? बंद क्यों नहीं हो रहा है? कितना ट्राई कर रही हूँ। थैंक गॉड। फॉरवर्ड कर, फॉरवर्ड कर, नहीं तो मौत मिलेगी, मौत मिलेगी, मौत। फॉरवर्ड कर, फॉरवर्ड कर, नहीं तो मौत। क्या करूं? फॉरवर्ड कर, फॉरवर्ड कर, नहीं तो मौत मिलेगी। फॉरवर्ड कर, फॉरवर्ड कर, नहीं तो मौत मिलेगी, मौत। फॉरवर्ड कर, नहीं तो मौत मिलेगी। क्या करूं? श्रेया को फॉरवर्ड कर देती हूँ, शायद ये वीडियो। फॉरवर्ड कर, फॉरवर्ड कर, नहीं तो मौत मिलेगी, मौत। Thank you.
कौन है? राधिका, वीडियो मैसेज। श्रेया, राधिका तुझे क्या हो गया? आधी रात को वीडियो मैसेज भेज रही है। पर नहीं, कोई वीडियो देखने वाली नहीं है। तू तो एग्जाम की तैयारी कर ली होगी और रात को मुझे डिस्टर्ब कर रही है। अरे यार, मैंने तो अलार्म लगाया ही नहीं। सुबह 4 बजे का अलार्म लगाना है, रखो। गुड नाइट। वो वीडियो ना बहुत स्केरी है। उसके अंदर एक डरावनी औरत है। तू अभी उस वीडियो को देख। यार राधिका, अभी मैं नहीं देखने वाली, सुबह देखती हूँ। अभी सो जा, गुड नाइट। आ लड़की है। अलार्म लगा दूं? फॉरवर्ड कर, नहीं तो मौत मिलेगी। फॉरवर्ड कर, नहीं तो मौत मिलेगी। फॉरवर्ड कर, नहीं तो मौत मिलेगी। फॉरवर्ड कर। राधिका, तुम इस वक्त मेरे घर पे क्या कर रही हो? श्रेया, तुझसे कहा था मैंने वीडियो फॉरवर्ड करने के लिए, तूने वीडियो फॉरवर्ड क्यों नहीं किया? वीडियो क्या बोल रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तूने वीडियो फॉरवर्ड नहीं किया ना, अब देख कितनी गड़बड़ होने वाली है। सपना था, लगता है 4 बज गए। ये अलार्म कहाँ गया? अलार्म क्लॉक तो यही रखा था। आवाज तो आ रही पर है कहाँ? अलार्म क्लॉक की आवाज फोन में? ये इसके अंदर कैसे गया? मुझे वीडियो फॉरवर्ड करना चाहिए था, नहीं किया तो अब मौत। फॉरवर्ड कर, नहीं तो मौत मिलेगी। क्या वो सब सच था या एक एक काम करती हूँ, श्रेया को कॉल करके पूछती हूँ, उसने वीडियो देख ही लिया होगा अब तक। आंटी जी, अब श्रेया से बात हो जाएगी? राधिका बेटा, श्रेया इस दुनिया में नहीं रही। ऐसा कैसे हो गया? क्या हुआ होगा श्रेया के साथ? कहीं वो वीडियो की वजह से तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक वीडियो की वजह से भला किसी की जान कैसे जा सकती है? रघु, मेरा फोन कहाँ से मिला तुझे? हाँ दीदी, तुम्हें कल से इतना रिलैक्स देखकर कोई भी समझ जाएगा कि तुमने नए फोन का अरेंजमेंट कर लिया है। और देखो, I was right, ये रहा तुम्हारा फोन। तू ना कुछ भी नहीं बताएगा मामा को,
और अगर मम्मा को बताया ना तो तेरी खैर नहीं है। प्रॉमिस नहीं बताऊंगा। पर दीदी ये क्या, तुमने एक भी ऐप डाउनलोड नहीं किया? डोंट वरी, मैं कर लूंगा। और हाँ दीदी, क्या बढ़िया वीडियो यार तुम्हारे फोन पे। मैंने अपने फोन पे उसे फॉरवर्ड कर लिया है। क्या? और अभी अपने फ्रेंड्स को भी करूंगा। बड़ा मजा आएगा ना डराने में। रघु, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। का मोहन दीदी, तुम कितनी डरपोक हो। रुको, मैं अभी फॉरवर्ड करता हूँ। नहीं रघु, कुछ नहीं होगा। सी फॉरवर्ड कर। फॉरवर्ड कर, नहीं तो मौत मिलेगी। फॉरवर्ड कर, फॉरवर्ड कर, नहीं तो मौत मिलेगी। ये तो वही वीडियो है दीदी, ये देखो मेरा भेजा हुआ वीडियो घूम फिर कर मुझे ही भेज दिया। रखो मम्मी। राधिका। हाँ माँ। मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती से पेश आ रही थी। मुझे तुम्हें इतना नहीं डांटना चाहिए था। मैं तुझे तेरा मोबाइल वापस देने आई हूँ, बट एक शर्त पर, पढ़ाई के वक्त नो मोबाइल। ओके, थैंक यू मम्मा। ये किसका मोबाइल बजा? नहीं मम्मा, मेरा नहीं। ये किसका मोबाइल है? रघु तुम्हारा? नहीं मम्मा, मेरा नहीं है। राधिका, राधिका तुम बाज नहीं आओगी। अब मुझे यकीन हो गया है कि जैसे लोगों को लत लग जाती किसी चीज की, तुम्हें मोबाइल की लत लग गई है। आई एम वेरी हर्ट राधिका। मामा, मामा, एक मिनट सुनिए तो। अब दीदी को पता चलेगा। फॉरवर्ड कर, फॉरवर्ड कर, नहीं तो मौत मिलेगी, मौत मिलेगी, मौत। फॉरवर्ड कर, फॉरवर्ड कर, नहीं तो मौत मिलेगी, मौत मिलेगी, मौत। फॉरवर्ड कर, फॉरवर्ड कर, नहीं तो मौत मिलेगी, मौत। फॉरवर्ड कर। बंद क्यों नहीं हो रहा ये? फॉरवर्ड कर, फॉरवर्ड कर, नहीं। थैंक गॉड। फॉरवर्ड कर, फॉरवर्ड कर, नहीं तो मौत मिलेगी, मौत मिलेगी, मौत। हाउ इज इट पॉसिबल? फॉरवर्ड कर। मैंने बैटरी तो निकाली है, फिर ये आवाज कहां से आ रही है? तो मौत मिलेगी। क्या करूं? मौत मिलेगी, मौत। फॉरवर्ड कर। क्या करूं? अनमोल ऑनलाइन होगा, उससे बात करता हूं। हे रघु, व्हाट्स अप डूड, कैसा है? और मैथ्स के एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? अरे यार वो सब छोड़, मेरी फोन में यार बहुत वियर्ड सी प्रॉब्लम हो रही है यार। क्या क्या बोल रहा है तू? यार एक डरावनी सी आवाज आ रही है मेरे फोन से। मैंने उसे हटाने की बहुत कोशिश की यार, पर वो जा ही नहीं है यार। अनमोल क्या करूं यार, बताना मुझे यार, आई एम वेरी स्कैर्ड डूड। क्या बोल रहा है यार तू? एक काम कर, अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दे, कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो सॉल्व हो जाएगी ना। अरे यार मैंने बैटरी निकाल दी है यार, ये देख फिर भी आवाज आ रही है यार, बहुत डर लग रहा है यार। रघु तू ये बता, तू लिफ्ट में कब पहुंच गया? लिफ्ट में? नहीं यार मैं तो अपने रूम में हूँ, और तुझे पता है कि मैं डर के मारे कभी लिफ्ट यूज ही नहीं करता, तो मैं वहां क्यों जाऊंगा? दिमाग तो ठीक है तेरा? रघु, रघु अपने अपने पीछे देख रघु। ये आवाज, मम्मा, दीदी बचाओ, मम्मा, दीदी, कहाँ हो आप लोग? मम्मा बचाओ, दीदी कहाँ हो आप लोग? प्लीज हेल्प मम्मा।
नहीं, दूर रहो, पास मत आना, छोड़ दो मुझे। यहां तो सीढ़ियां थी, कहां गई? प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने तो ग्राउंड फ्लोर दबाया था, ये लिफ्ट ऊपर क्यों जा रही है? ये क्या हो रहा है? ये लिफ्ट नीचे क्यों नहीं जा रही? ये लाइट को क्या हो रहा है? मम्मी, दीदी, बचाओ मुझे, पापा, पापा बचाओ मुझे, प्लीज हेल्प, अरे दरवाजा खोलो, दीदी बचाओ मुझे। दूर रहो, पास पास बताना मेरे, पास बताना मेरे, दूर रहो, नहीं नहीं नहीं। दीदी, मुझे आपको कुछ बताना है जो बहुत ही भयानक और डरावना है, रघु के बारे में। क्या बात है, प्लीज मुझे बताओ। कल रात को मैं रघु के साथ वीडियो चैट कर रहा था, मुझे लगा कि वो मैथ्स के एग्जाम्स के प्रिपरेशन की बात करेगा, मगर बात कुछ और ही थी। क्या बात थी? मुझे पता नहीं दीदी, रघु के मोबाइल में कुछ अजीब सा ही हो रहा था। उसके मोबाइल में एक वीडियो है जो अपने आप प्ले हो जाता है, बैटरी निकालने के बाद भी वो बंद नहीं हुआ दीदी। और फिर दीदी, वो अचानक से लिफ्ट में पहुंच गया। मैंने उसे पूछा कि वो लिफ्ट में कैसे गया, तभी तभी क्या अनमोल, प्लीज मुझे बताओ। तभी उसके पीछे बहुत भयानक सी औरत थी। आपको मेरी बातों का यकीन हो रहा है ना? मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है अनमोल, क्योंकि मैंने भी उस अजीब औरत को देखा है। फॉरवर्ड कर, फॉरवर्ड कर, नहीं तो मौत मिलेगी, मौत। दीदी, ये वही है दीदी। दीदी, क्या हुआ दीदी? भैया, हाँ बोलिए। मैंने परसों आपसे ये फोन लिया था, आपको पता है ये फोन किसका है? मैडम, हमारे पास रोज कितने कस्टमर्स आते हैं, उनमें से किन किन का एड्रेस हम याद रखेंगे? पर भैया, बहुत अर्जेंट है, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। अच्छा, हमने आपको उसका बिल तो दिया था ना? हाँ। उसमें शायद उसके ऑर्डर का एड्रेस होगा, आप देख लीजिए जाकर। ठीक है, थैंक यू भैया। कहाँ गया? जब से ये फोन लिया है तब से ये सब हो रहा है। और वैसे भी शॉपकीपर ने कहा था कि जिसका ये फोन है उसका नाम उस बिल पे होगा,
मुझे वो बिल किसी भी हालत में ढूंढना है। वो बिल उस बॉक्स में होगा। फॉरवर्ड कर, फॉरवर्ड कर, नहीं तो मौत मिलेगी मौत। शिवानी, तुम कौन है बेटा? आंटी, अब ये आपका फोन है। ये हमारा फोन नहीं है, जाओ तुम यहाँ से। आंटी, आंटी प्लीज मेरी बात सुनिए। ऑलरेडी मैं मेरे भाई और मेरी बेस्ट फ्रेंड को खो चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती और लोगों की जान जाए। प्लीज मेरी हेल्प करिए। अंदर आओ। आंटी प्लीज मुझे बताइए, ये मोबाइल फोन, वीडियो, ये सब है क्या? कौन कर रहा है ये सब? ये फोन मेरी बेटी शिवानी का था, जिसकी वजह से मेरी बेटी की जान गई। लेकिन इसमें जो वीडियो था वो उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया का था। रिया बहुत ही मजाकिया टाइप की लड़की थी। पिछले साल उसके पेरेंट्स कुछ दिन के लिए दिल्ली चले गए थे। एक रात वो बिल्कुल अकेली थी। रिया कैसी है तू? मॉम डैड को मिस कर रही है? मैं आ जाऊं तेरे पास? अकेले कैसे रहेगी घर पे? कैसे रहूंगी का क्या मतलब है? अच्छे से रहूंगी, मजे में रहूंगी। हाँ मुझे पता है तेरे दिमाग में कोई ना कोई शरारत तो चल रही है। प्रैंक करना है ना तुझे कोई? देख लेना, अगर रात में कोई फोन वोन किया ना तो मैं नहीं उठने वाली, समझी? हाँ हाँ, प्रॉमिस मेरी माँ, मैं तुझे नहीं उठाऊंगी और मैं तुझ पे कोई प्रैंक वैंक नहीं कर रही हूँ। ओके चल, कल मिलती है तुझसे, ठीक है? बाय, गुड नाइट। ओके बाय, गुड नाइट। लड़की कभी बाज नहीं आएगी। इतनी रात को वीडियो मैसेज। रिया, 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 रिया। शिवानी उसी वक्त रिया को बचाने के लिए भागी, क्योंकि वो जानती थी रिया को आग से बहुत डर लगता है। जब तक शिवानी पहुंची तब तक रिया रिया ने मरने के बाद भी मेरी बेटी को माफ नहीं किया। शिवानी क्या हुआ बेटा, क्यों इतना डर रही है? वो आ गए। कौन? वो मुझे बहुत डर गई मम्मी। शिवानी बेटा कहाँ जा रहे हो? Ah!
शिवानी को रोड एक्सीडेंट से बहुत डर लगता था। उसने मार डाला मेरी बेटी को। मेरे भाई की भी मौत लिफ्ट में ही हुई थी, जिससे उसे सबसे ज्यादा डर लगता था। पर अब हम रिया को कैसे रोकेंगे? वो वीडियो जिसके पास भी जाएगा, अगर वो उसे आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा तो उसकी मौत भी उसी चीज से होगी जिससे वो सबसे ज्यादा डरता है, जैसे मेरी बेटी शिवानी की। तुम्हें किस चीज से डर लगता है सबसे ज्यादा? मुझे अंधेरे में अकेले रहने से डर लगता है। ये सब क्या हो रहा है आंटी? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आंटी, आंटी, प्लीज खोलिए। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आंटी खोलिए। हाँ बेटा, मैं कोशिश कर रही हूँ बेटा। प्लीज खोलिए। आंटी मैं क्या करूँ, प्लीज मुझे बचाइए। बेटा एक काम करो, ये दरवाजे के साइड में ना एक टेबल है, उसकी ड्रॉर में ना मैच बॉक्स मिलेगा तुम्हें, सामने ना कैंडल रखी है वो जला लो, मैं तब तक ट्राई करती हूँ। ठीक है। डर लगता है। इस मोबाइल की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। आज मैं इस वजह को ही खत्म कर दूंगी। बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ आंटी मैं ठीक हूँ। आज मैंने उस वजह को ही खत्म कर दिया जिस वजह से ये सब हो रहा था। आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।